मास्टर के ग्लैडिएटर में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ वो दो प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि मशहूर हैं अपने एग्रेशन के लिए, अपनी फ्लैम्बॉयंस के लिए। वेलकम टू उमर अकमल एंड अनवर अली, वेलकम टू द शो। अभी हम आपके कुछ गेम यहाँ पर आपके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि आप दोनों में से कौन बनता है मास्टर का ग्लैडिएटर। हम अपना पहला राउंड करेंगे विच इज़ द चाइल्डहुड राउंड। आइए देखते हैं कि उमर और अनवर में से किसको प्लेयर्स के चाइल्डहुड की पिक्चर से वो पहचान सकेंगे। आइए देखते हैं, हम तैयार हैं हमारे फर्स्ट राउंड के लिए। आप लोग चेक कर लें, ये बजर्स की जगह हमारे पास सीटियाँ, आप सीटियाँ चेक कर लें, आप लोगों की सीटियाँ चल रही हैं। सही चल रही है। तो शुरुआत कर रहे हैं, पहली आपके लिए आ रही है आपका हेड। यस, यस करें। अहमद शहजाद। उमर आपको एक चांस दे रहे हैं, हिंट चलो मैं आपको एक दे देता हूं। इस साल ये एक फ्रेंचाइज के कप्तान बन गए। मोहम्मद हफीज। आप क्यों नहीं गेस पे? ये आपको अहमद शहजाद किस एंगल से लगे पहले मुझे ये बताएं। नहीं, वो इसकी स्माइल की वजह से। हाँ, बात ये बताएं। तो हफीज भाई और अहमद शहजाद की स्माइल सेम है। मैं कैसे यकीन कर लूं हफीज भाई? हाँ, प्रूफ करें आप। हाँ, नहीं कैसे यकीन कर लूं? ये हफीज भाई नहीं, तस्वीर पोस्ट की है। नहीं, वो आई गेस आप गेस कर सकते हैं, जो उन्होंने मांग निकाली थी ना एक साइड। नेक्स्ट, मोहम्मद आमिर। इनको भी मांग से ही पहचान? नहीं, ये मेरे साथ अंडर 19 खेले। ये मासूमियत से पहचान। मेरे साथ अंडर 19 खेले। ओके, सो 2-0 उमर लीड में है। अनवर कुछ करना पड़ेगा वरना मुझे लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अहमद शहजाद का अटक गई है इतनी सुई और इन्होंने वहीं गेस कर लिया है, तो स्कोर इस वक्त हो चुका है। कुछ दिन पहले ये तस्वीर लगी थी अहमद शहजाद। ये तो उन्होंने गेस कर लिया यार, किसने विसल यार विसल एक्चुअली हुआ ये था कि दोनों ने बराबर में बजाई थी। अभी मैंने बजा दी मिसबा भाई। ये बराबर का पॉइंट होगा क्योंकि विसल देखे। नहीं। अच्छा, ये आप लोगों को अगर हम मौका दें डिसाइड करने का तो आप लोग खुद मिलकर डिसाइड कर पाएंगे कि पॉइंट किसको देना है। मेरा सीनियर प्लेयर है, मेरे से पहले वो सीनियर। ओके, एंड जुनैद खान। मुझे नजर नहीं आया जुनैद खान है ना, इसके साथ भी खान लगता तो ये पहचान गया जल्दी। अच्छा, तो ये खान कनेक्शन की वजह से या और कोई रीजन था? नहीं, मेरा ख्याल है जो आपने झूले में नहीं पहचाना जुनैद जो झूला खा रहे। नहीं, मेरा ख्याल इसने शलवार कमीज से पहचाना। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे, जहाँ पर हम इनसे करेंगे कुछ मस्ती भरे सवाल और जो आप लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। मिसिंग अ प्रैक्टिस सेशन, एक प्रैक्टिस सेशन मिस कर दें बगैर किसी सॉलिड रीजन के। मैं अपने आप को देखता हूँ और इसको देखता हूँ, मेरा नहीं ख्याल हम दोनों मिस करते हैं। तो ये दोनों फिंगर्स आप मेरे पे पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्वेश्चन ना करें। अच्छा, अटेंड अ मैच या मैच खेलने जाएं बगैर नहाए हुए कि मैच के बाद नहा लेंगे? ये हो ही नहीं सकता। आपके टीम के मेंबर हैं जिन्होंने कबूल कर लिया कि वो ऐसा करते हैं? नहीं, वो मैं भी समझ गया हूँ कि वो कौन है, तो मैच के बाद भी नहीं नहाते। अरे यार, सवाल के जवाब में आप कितने लंबे छक्के मारेंगे। तो उमर हम आपसे शुरू करते हैं। उमर से भी शुरू कर ले, हर गेम मेरे से शुरू कर रहे हैं, वो पुराना प्लेयर है क्वेटा का। मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे कभी डाइवर्ट करके बोले, अनवर से शुरू करें। अच्छा, अनवर की आंखें बाहर निकल आई, वो आपको भूल रहे हैं। चले अनवर से शुरू करते हैं। अनवर, एक रूमर जो आप अपने बारे में फैलाना चाहते हैं मस्ती में। अफवाह अपने बारे में कोई अगर उड़ानी हो यार, अनवर ये कर रहा है लाइफ में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, नॉर्मली मैं रहता हूँ लाइफ में, मतलब अपनी ट्रेनिंग में। हाँ। ये तो बाकी इतनी मतलब ज़्यादा एक्टिविटी है ही नहीं मेरी। अच्छा। हाँ। आपका फेवरेट ऑल टाइम क्रिकेटर कौन? इमरान खान। चले अब उमर की तरफ जाते हैं। उमर, आपसे भी हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं, एक अफवाह जो आप अपने बारे में उड़ा दें कि उमर अकमल ये कर रहे हैं। यही है कि उमर अगर क्रिकेट के बाद कहाँ पे है तो मुझे अच्छा लगेगा, लोग ये कहें कि अगर ये ग्राउंड में नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ है। अब मैं कुछ प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ, दिमाग में एक वर्ड जो भी है उनका नाम सुनते ही वो आपने बताना है। शायद अफरीदी। अग्रेसिव कैप्टन सपोर्ट करते हैं आपके। सरफराज अहमद। रिलैक्स रखते हैं सबको, खुद भी रिलैक्स रखते हैं। आपकी टीम मैनेजर जो है आजम खान। बहुत अच्छे इंसान है, प्लेयरों की बहुत ज़्यादा रुकावट करते हैं। और लास्ट जो है वो इमाद वसीम।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब वो आउट करते हैं तो जो एग्रेसिव उनका होता है वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू उमर अकमल एंड अनवर अली, आपने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे और ग्लैडिएटर्स के साथ। देखते रहिए मास्टर का ग्लैडिएटर। अल्लाह हाफिज़।